चलिए, देखिए, आज विशेष रूप से पिछले 1 मिनट आपके पास और है, लिख लीजिए। पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया के मंचों पर बहुत चर्चा चल रही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा 2022 में एसे लिखने के लिए जो टॉपिक आपको दिया गया था, वह टॉपिक बड़ा कठिन था, या आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं उसको, लीक से हटकर था। ज्यादातर लोगों ने, 90% लोगों ने इन दो टॉपिक्स पे लिखा है, फॉरेस्टेशन और वर्क फ्रॉम होम, इन दोनों पर लिखा हुआ है, और किसी को कम नंबर मिले, किसी को अधिक। मैं आज की चर्चा में चाहूंगा कि आप लोग, पहले जो लोग जुड़ गए थे उनको भरपूर समय मैंने दिया था, दोनों टॉपिक एक साथ लिखने के लिए मैंने दे दिया था, और 30 बज गया है, इस पे फुल फ्लेज हम चर्चा शुरू करते हैं, बाकी जो आएंगे आते रहेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको दो टॉपिक दिया गया है। आपको पता होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में या किसी और परीक्षा में अगर आप जाते हैं तो आपको दो ही टॉपिक ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, दो टॉपिक और साथ में दो अनुवाद। आपको समय दिया जाता है 2 घंटे का, 2 घंटे को अगर आप विभाजित करें तो 30 मिनट करके 4 प्रश्न का आपको जवाब देना रहता है, उसमें दो ऐसे होता है और दो अनुवाद। हम लोग ऐसे पे बात कर रहे थे, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वह है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आपके पास नहीं, आपको 2 घंटा दे दिया गया, 2 घंटे आप पिच पे खेलिए, 2 घंटा जैसे ही खत्म होगा आपकी कॉपी छीन ली जाएगी, तो आपके पास भरपूर समय, या तो आप एफोरेस्टेशन पर ही 25 पेज लिख जाइए, या फिर वर्क फ्रॉम होम पर 25 पेज लिख जाइए, और मैटर एंड्स उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा। उसमें एक चीज और लिखा हुआ रहता है, नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। पिछले साल के या और 4-5 सालों के प्रश्न पत्र टेलीग्राम पे साझा किया गया है, वहां से आप लोग ढूंढ सकते हैं, उसमें लिखा रहता है नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। बहुत ऐसे जोशीले नौजवान हैं, आप लोग सभी नौजवान हैं, तो आप लोगों में यह जोश भरा रहता है कि अरे मैं ज्यादा से ज्यादा लिख दूं ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। 500 शब्द, इसका मतलब अधिकतम 4 पेज आगे पीछे मिला करके, लोगों ने 8-8 पेज लिखा है, उसमें आपने एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं किया है, आप लोगों ने अपना समय खोटा किया है। ठीक है, समय खोटा इस तरह किया है, आपको तो आधा घंटा ही लिखना था ना, आपने इस पर, मैंने आधा घंटे का समय दिया था आपको, आपने ऑफर स्टेशन, आपको ज्यादा जानकारी है बहुत लोगों को, तो इस पे 20 मिनट लिख दिया या 25 मिनट लिख दिया, तो आपको दूसरा लिखने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय मिला ना, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम पर लिख रहे हैं तो आपको अगले के लिए समय नहीं मिला। मूल परीक्षा में भी यह गलती आप लोग करते हैं जानबूझ करके। अगर बहुत जोश है आपके अंदर, बहुत जानकारी है, तो आप 500 को 600 शब्द में बना लें, 500 को 5000 लिखने की कोशिश ना करें, सबसे पहला नियम होगा, और 500 को 1000 या 5000 करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। अब रह गई बात, मैंने आपको दोनों टॉपिक बोल दिया है कि इसके ऊपर ऐसे लिखिए, आप में से कोई अपनी कॉपी देगा दिखाइए। अब देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने जैसे ही टॉपिक बोला इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया अपनी कॉपी को, नीचे आप में से सभी लोगों ने लिखा होगा, नीचे एक टॉपिक, ऊपर एक टॉपिक। आप मुझे यह बताइए, यह तरीका सही है या गलत है? गलत इसलिए है, जब आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं तो इन दोनों टॉपिक को आप एक जगह ऊपर लिख लिए होते, क्या पता आप लिखना शुरू करें तो आपके दिमाग में और ज्यादा शब्द आए और वह सीमा छोटी हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, बाद में एक को काटेंगे। प्रैक्टिस सेशन जब भी हो तो आप इस तरह से 2 टॉपिक चुनेंगे अपने लिए, और दोनों टॉपिक आपके जो आपकी जो कॉपी है उसमें ऊपर लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे बाइफरकेट करके। आप में से 90% लोगों ने लिखा है जो गलत है। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे ही हमारे पास एक टॉपिक आया, ए फॉरेस्टेशन, लो हमको दे दो, हम ज्वाइन कराएंगे, नहीं तुम्हारा ध्यान उसी में रह जाएगा। अब पहला टॉपिक हमें मिला ए फॉरेस्टेशन। देखिए, कोई भी ऐसे जब आप लिखने जाते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप जिस टॉपिक पर ऐसे लिख रहे हो उस टॉपिक को समझें। ए फॉरेस्टेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम में से 90% लोग जानते ही नहीं है कि ए फॉरेस्टेशन क्या है।
ठीक है, आप लोगों ने पेपर वन पढ़ा है, बेसिक इंग्लिश सबको पता है कि पिछले दो चर्चाओं में मैंने बताया है कि कई ऐसे शब्द होते हैं, नाउन है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी लगा करके उसको वर्ब बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से कई वर्ब ऐसे होते हैं जिसको हम नाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा प्रक्रिया चलती है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका मूल शब्द क्या है। अगर मैं देखूं इतना ले लूं, FOREST, आपको जो शब्द मिले आपको दो एक शब्द आगे पीछे करके, दिक्कत हुई थी, हाँ जी, दो एक शब्द आगे पीछे करके पहले शब्द को समझने का प्रयास करना है। आपको मिला फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, नाउन है, नाउन है ना या वर्ब है, ION, इसमें देखिए फॉरेस्ट में ION लगा दिया है, ठीक है। लालू जी कहा करते थे, गधा पर गधा, उस पर मैं और उस पर सारा देश, गधा पर गधा, उस पर मैं और उस पर सारा देश, तो एक शब्द बनता है उसका नाम है assassination, एस मतलब गधा, गधा पर गधा, एक और एस लिखिए, एस एस ऐसा हो गया, सी आई आई मतलब मैं, और नेशन मतलब राष्ट्र। लालू जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया था, गधा पर गधा उस पर, इसी तरह से हमने फॉरेस्ट किया और फॉरेस्ट में एशन जो शब्द जोड़ा गया, फॉरेस्टेशन मिला करके यह पूरा का पूरा शब्द हो गया वर्ब, फॉरेस्टेशन। आपको समझ में आया फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट मतलब जंगल और उसमें रेलवे स्टेशन बनाना, यही है फॉरेस्टेशन का मतलब हुआ वानकीकरण, जंगल लगाना, वन होता है या वन होता है, वह होता है या वह होता है, तो ये वान की करण, इतना कठिन हिंदी शायद आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, बहुत कठिन है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी सुनते ही नहीं है, कठिन नहीं है, वन है वन लगाना। ए का मतलब आप लोगों को पता होगा कि किसी शब्द के आगे ए लगा दिया जाए तो पॉजिटिव जाता है और डी लगा जाता है तो निगेटिव जाता है, इतना पता है ना आप लोगों को, जैसे डिमनेशिया होता है, एक बीमारी होती है डिमनेशिया, भूलने की बीमारी होती है, या मेरिट एक शब्द है, आप दीपक सर आपको वर्ड फॉर्मेशन सिखा रहे होंगे, ठीक है, उसमें उन्होंने आपको एक किताब का उदाहरण भी दिया होगा, ये मेरिट शब्द है, मेरिट का मतलब क्या होता है, अच्छाई, इसके आगे हम डी लगा दिया तो अगर हम डी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, डी मेरिट, इसका मतलब बुराई। इसी तरह से अगर हम इसके आगे डीफॉरेस्टेशन लगा देते हैं तो डी मतलब कटाई, वनों की कटाई, और ए लगाए हैं तो ए का मतलब पॉजिटिव सुर जाएगा, और ए फॉरेस्टेशन मतलब जंगल लगाना साधारण शब्दों में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टॉपिक की समझ लानी होगी। अगर टॉपिक आपको चार ऑप्शन दिया गया है उसमें अगर एफॉरेस्टेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मत छूए उसको, सोते हुए नाग को मत छेड़िए, नहीं तो क्या होगा, आपका सब चल जाएगा, और जब आप 10 लाइन लिख लेंगे तब याद आएगा, अरे इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा, फिर आप उसको क्रॉस करेंगे दूसरा टॉपिक लेंगे, और इसी तरह से लिखते हैं मिटाते हैं गीत नए गाते हैं चलेगा, ठीक है। मैं मिटा दूं जो मैंने लिखा है, अब मैं थोड़ा सा एफॉरेस्टेशन कैसे लिखें इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। जंगल लगाओ, आपसे कहा जा रहा है क्या लगाओ, जंगल, तो जब भी कोई टॉपिक आपको दिया जाता है आप उस विषय के बारे में बताएंगे ना, मान लीजिए महात्मा गांधी की हम बात करें, नाम सुना है आप लोगों ने महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में अगर आपको लिखना होगा, छोटे क्लासों में हम लोग लिखाते रहे होंगे, हमने भी लिखा आपने भी लिखा होगा, माँ पे लिखो गाय पर लिखो, पहले गाय पे ही सिखाते थे लोग, तो आपने गाय के ऊपर लिखा होगा तो गाय के बारे में पहले बताया होगा ना कि इसके 8 पैर होते हैं, उड़ सकती है, मतलब कुछ भी, 4 पैर ही होते हैं, कंफर्म है, तो आपको पता है 4 पैर होते हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट क्या है, आपको सबसे पहले फॉरेस्ट को समझाना होगा। ये मैं उन लोगों के लिए बात करता हूं जो मेरे जैसे हैं एवरेज स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाता है, कर पाता है क्या, तो सारे आईएएस होते, बाकी नीचे का पद होता ही नहीं, तो मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, आप में से जो जीनियस हो वो प्रश्न न करे फिलहाल, ठीक है। आपको फॉरेस्ट बताना है, फॉरेस्ट किसे कहते हैं, क्या मेरे गार्डन में
छोटे छोटे 10 बोनसाई के पौधे लगे हुए हैं, तो मेरा बागीचा क्या फॉरेस्ट कहलाएगा? या फिर मैंने अपने छत पर 25 पौधे में 25 तरह के फलों का या 25 तरह के पेड़ लगा रखा है, तो वह वन कहलाएगा क्या? वनों की एक परिभाषा होती है, वन किसे कहते हैं? जंगल इसका मतलब है हिंदी में अगर हम सोचें तो अधिक पेड़ हो, अधिक पेड़ हो, और क्या होता है उसमें थोड़े बहुत जानवर भी हो, जैसे हमारे सिर पे भी जानवर पड़ जाते हैं ना, है? जहां मिले जो दो सर, तो अधिक पेड़ हो और जानवर हो। इसके अलावा पेड़ जो होंगे कुछ खाने के पेड़ भी हो सकते हैं, कुछ बिना फल वाले भी होते हैं। उसके बाद एक क्षेत्र अगर देखा जाए तो निर्धारित रहता है, ये जंगल है, लेकिन हमारी जो परिभाषा है उसके अनुसार हम कितना जंगल लगाएंगे। आजकल तो कंक्रीट के जंगल खूब लग रहे हैं, लेकिन असली जंगल कंक्रीट के जंगल पता है आपको क्या होता है? नहीं पता है। कंक्रीट के जंगल मतलब फ्लैट बन रहे हैं, जहां पेड़ था वहां आज फ्लैट बन गया। तो वन लगाने का मतलब है कि इसका सीधा सीधा अर्थ यह जा रहा है, वृक्षारोपण। इतना हमें समझने में 1.5 से 2 मिनट लगाना पड़ेगा कि जंगल तो हम लगा नहीं पाएंगे, जंगल के लिए जगह ही नहीं है, तो क्या करेंगे? ये वृक्षारोपण अभियान है, इसे एफॉरेस्टेशन कहा गया है। तो साधारण अगर हम ढंग से सोचें तो हम शुरुआत करेंगे कि एक भूमिका बनाएंगे। तो एफॉरेस्टेशन इज ए प्रोसेस इन विच, दिक्कत हो रही है आप ऐसे घूम रही है, इधर फेस कर लीजिए, हमेशा दुश्मन की आंखों में आके डाल के देखिए, बात करिए, ठीक है? और शिक्षक हमेशा दुश्मन ही होता है बच्चों का। चलिए, तो फिर आपको यह पता चल गया कि एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल लगाना है। जंगल तो हम खरीद नहीं सकते ना, रहने के लिए 100 स्क्वायर फीट का जगह नहीं खरीद पाते, जंगल कहाँ खरीदेंगे। तो आपको पेड़ लगाना है, तो आप सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है? आपको जैसी भी अंग्रेजी आती हो, कठिन अंग्रेजी लिखने का प्रयास नहीं करना। पहला सूत्र होगा कि आप लिखेंगे सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश का मतलब क्या होता है? सिंपल इंग्लिश का मतलब सिंपल सेंटेंस, जैसे राम इज ए बॉय, राम ईट्स जलेबी, अलोंग विथ इट ही ऑल्सो ईट्स लड्डू। इसी तरह से साधारण साधारण वाक्य लिखना है, वह वाक्य जो सबके समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोग सरकारी मुलाजिम बनने जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, और जो पत्राचार आप करेंगे, किससे करेंगे पत्राचार? आप जो चिट्ठी लिखेंगे तो वह किसी जनता के व्यक्ति को लिखेंगे, तो जो आप चिट्ठी लिखते हैं वह साधारण भाषा में हो, उसके समझ में आए। तो इसके लिए आप ऐसे भी जो लिखेंगे साधारण शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि जांच करने वाले, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जांच करने के लिए नहीं दिया जाता है, उसी में जो एग्जामिनर्स नियुक्त होते हैं उनको दिया जाता है। तो वह भी आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप सिंपल इंग्लिश लिखिए, ठीक है? तो आपने यहां लिख दिया एफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, या इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री, या इन एफॉरेस्टेशन वी इनकरेज प्लांटिंग ट्री। बेसिकली इसमें कीवर्ड सब में प्लांटिंग ट्री आ रहा है। तो आपने सबसे पहले आपको करना है इसकी परिभाषा देनी है, ठीक है? आपने फॉरेस्ट के बारे में बताया और फॉरेस्ट को वर्ब रूप में बदल दिया गया है, और फिर उसकी परिभाषा लिखनी है हिंदी या अंग्रेजी में। अब जब आप घर में अभ्यास कर रहे हो तो आप लोगों की जो भी मातृभाषा हो, आप सबसे पहले प्रयास करेंगे कि कोई भी टॉपिक आपको अंग्रेजी का भी दिया जा रहा है तो आप उसको हिंदी में सोचेंगे। इवन हमारा कंप्यूटर वही सोचता है, हमारा दिमाग यही सोचता है। तो मैंने 2 लाइन लिख दिया, इसमें 2 लाइन का मतलब हो गया कि 8 × 16 शब्द तो हमारे हो गए। तो आपने लिख दिया इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री। अब देखिए, बहुत लोग ऐसा करेंगे कि हमें पेड़ लगाने के फायदे तो पता नहीं है, लेकिन पेड़ काटने के फायदे हमको बहुत पता है। अब यहां से लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और डिफॉरेस्टेशन पर चले जाते हैं। ऐसी गलती जिन लोगों ने भी किया है उनको 20 से अधिक नंबर नहीं मिला है। तो आप जो जो शब्द लिख रहे हैं, जिस शब्द के बारे में, उसी पर टिके रहेंगे।
अपने लिख दिया पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। अब पेड़ क्यों हम लगाएं जी, क्या जरूरत है पेड़ लगाने की, कोई जरूरत है, क्या जरूरत है? पेड़ क्या करते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में आता है उसे वो लोग सोख लेते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। सिर्फ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई देता है, पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई देता है। इसलिए भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय मैं कह रहा हूं, भारतीय धर्म ग्रंथों में पीपल और बरगद की के पूजा की परंपरा रखी गई है। आप अपने उस वाक्य में जोड़ सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स प्रोवाइडर्स या प्लांट्स गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, मतलब पौधे आपको फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। अब थोड़ा सा उसमें और, ये ऐसे लिखा मतलब कहानी लिखना समान होता है, अब किस तरह की लाइफ, लाइफ कितने तरह की होती है, जैसे एक लाइफ आपकी होगी लाइफ ऑन द अर्थ, एक हो गई एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक मतलब जल के पानी के अंदर भी पेड़ होते हैं पता है, ठीक है, तो आप उसमें विच इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन एंड द ट्रीज आर द क्या है, ऑक्सीजन फैक्ट, नेचुरल ऑक्सीजन फैक्ट्रीज। मैं ऐसे ही आसान अगर लिखता हूं तो सामने पढ़ने वाले के समझ में आएगा कि हाँ ये व्यक्ति एक वाक्य से दूसरे वाक्य में रिलेशन जोड़ता हुआ चल रहा है। मैंने बोला कि इट गिव्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर लाइफ, फिर मैंने बताया ऑक्सीजन कैसे देता है। अब आप लोगों ने क्लास 10th सबने पास किया है, कोई ऐसा है जो डायरेक्ट एमए किया हो, हंसने की बात नहीं है, अन्नामलाई विश्वविद्यालय यह सुविधा देती है कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा छाप व्यक्ति भी चाहे तो डायरेक्ट एमए कर सकता है। एक एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी, अगर आप उस एंट्रेंस परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं तो आप सीधे एमए की परीक्षा दे सकते हैं। नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा, शादी ब्याह के लिए मान्य होगा, नाम के साथ लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हंसिएगा नहीं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस नामक एक प्रक्रिया पढ़ी होगी, PHOTO या होता है या FOTO होता है, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटो फोटो आगे बढ़ा है, फोटोन बना है, ठीक है, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जब पत्तों पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश तो पत्ते उससे अपना आवश्यक भोजन बनाते हैं अपने जीने के लिए, और उसके बाद जो बचता है वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें यह बताना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। आप लोग जिस कमरे में बैठे हैं उसमें बिजली जल रही होगी, लाइट है ना, उसके बाद पंखा और थोड़ी सी हैसियत अच्छी है तो एसी, ठीक है, 1.5 टन, अगर हैसियत ज्यादा अच्छी है एक कमरे में 2 टन या 3 टन के एसी लगा लेते हैं। एसी जो गैस छोड़ता है वह गैस कौन सा गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बेसिकली क्लोरोफ्लोरो सी मतलब क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब कहीं ना कहीं कार्बन देता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, हिंदी पढ़ा हूं तो केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं हो सकता है, ठीक है, तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि कमरे में जो बिजली जलती है, बत्ती जलाते हैं, जितनी ज्यादा रोशनी उतने ज्यादा कमरे में कार्बन का उत्सर्जन, जितनी ज्यादा बिजली आप जलाएंगे उतने ज्यादा कार्बन, क्या होता है ये जो लाइट है, लाइट जब गर्म होगा, हीट वेव्स बनते हैं ना, लाइट से जो गर्मी आएगी उस गर्मी से ऑक्सीजन अपने आप खत्म होने लगेगा, क्योंकि आग अगर देखें हम, फायर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकता, ऑक्सीजन एंड हीट, तो एक कैरेक्टरिस्टिक उसमें हीट होता है और जो एटमॉस्फेरिक या इस कमरे के जो ऑक्सीजन है उसे ये खत्म करेगा जितना हीट, इसलिए बोलते हैं जीरो इमिशन, जीरो कार्बन काम करो। तो आप उसमें लिखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में द इंस्ट्रूमेंट, सॉरी द इंस्ट्रूमेंट्स लिख लीजिए, द इंस्ट्रूमेंट्स द इंप्लीमेंट्स एंड हाउस होल्ड मशीन्स, द इंस्ट्रूमेंट
instruments, implements, and household machines which run on electricity. मैं लिख रही हूं, ठीक है, which run on electricity are also one of the causes for carbon production या carbon emission. क्या क्या मैंने बोला? The instrument, comma, instruments, comma, implements and household machines which run on electricity also emit, EMIT, या produce carbon dioxide या gases which are not favorable to mankind. मिक्सी चलाते हैं, उससे आती है एसी, फ्रिज, इन सबसे आती है, और आप फिर उसमें अगला वाक्य जोड़ेंगे, एंड ऑल दीज इमिशंस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन एंड अदर हार्मफुल गैसेस विच इन टर्न नॉट ओनली हार्म्स लिविंग. सुन लीजिए, बाद में आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, वहां से भी सुन सकते हैं, ठीक है. विच नॉट ओनली is harmful for living organism but also it. क्या करता है? आपको पता होगा एटमोस्फियर के बारे में, आप लोगों ने आठवीं नौवीं या दसवीं में पढ़ा होगा. तीन चार लेयर हैं पृथ्वी के ऊपर, पर्यावरण के तीन चार लेयर हैं. इसमें एक ओजोन लेयर होता है, इसको ओजोनोस्फियर बोलते हैं, ओजोनस्फियर या ओजोनोस्फियर. तो ये क्या करता है, अधिक मात्रा में अगर कार्बन का प्रयोग होगा, कार्बन इमिशन का, तो इसमें कहीं ना कहीं छेद होने की संभावना रहेगी. अब ओजोन लेयर क्या करता है, सूर्य की रोशनी जो आती है उसमें एक अल्ट्रा वायलेट रे होता है, परा बैगनी उसको हिंदी में कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को यह रोकता है और वापस कर देता है, भाई हमें नहीं चाहिए, आप अपने घर रखो. अल्ट्रा वायलेट रेज जब पृथ्वी पे आएगी तो उससे अगर आपके स्किन पर पड़ती है तो आपको स्किन डिजीजेज होंगी. देखते होंगे आप लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे दाग हो जाएंगे धूप में निकलेंगे, तो आजकल उसे ब्यूटिशियंस ने नाम दिया टैन, TAN, टैन पड़ जाता है. टैन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, पिगमेंटेशन. ये टैन जो लोगों ने दिया है, अगर आप एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर अगर स्किन स्पेशलिस्ट आप बात करें, तो आम भाषा में इसे टैन कहा जाता है, साइंस की भाषा में पिगमेंटेशन कहा जाता है, और भी कई नाम हो सकते हैं इसके. तो आप उसको मेंशन करेंगे कि इफ अल्ट्रावायलेट रेज, इफ ए पर्सन या फिर इफ ए लिविंग ऑर्गेनाइज इफ ए लिविंग बींग इज एक्सपोज टू हायर अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, इट विल समवेयर कॉज डिजीजेस लाइक पिगमेंटेशन, स्किन कैंसर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी बीमारियां होने की संभावना रहती है. दिस अगेन, हम यहां भटकने जा रहे हैं, ठीक है. एटमॉस्फेयर के बारे में बोले, ये यो बोले, बनीकरण छूट गया हमारा. अब हम ढूंढ के फिर इसको नीचे ले आएंगे, भटकना नहीं है, कुर्ता किसी को खींचना पड़ेगा, तो फिर हमारा ये एफोरेस्टेशन अगेन आएगा. एफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस विच विल keep all these activities या anti-atmospheric activities under control. अब again हम वापस आ गए, हमने सारी कहानी बता दी, अब वापस आ गए, और इसके बाद फिर हम आगे जो बताना शुरू करेंगे. सिर्फ कार्बन इमिशन मतलब कार्बन सोखता है, और क्या करता है जंगलों से, और दूसरा लाभ क्या है? बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जब उत्तरी या पूर्वी हवाएं खूब तेज चलती है सागर से निकल करके, ठंडी हो करके, तो वनों से टकराती है, जंगलों से टकराती है, और बारिश होती है. उस बारिश का क्या नुकसान है? नहीं है नुकसान, बारिश का क्या लाभ है? बरसात होने से सबसे पहले अनाज पैदा होगा. आप जहां बरसाती जगह है, जहां बाढ़ आती है, ऐसे जगहों पर जाइए, धान छींट दीजिए, गेहूं छींट दीजिए, उसमें सबने आप फसल निकल आएगा. तो बरसात में यह कारक है. इसलिए देखिएगा कि अभी पर्यावरण का प्रतिरूप बदल रहा है जगह जगह. अभी वर्तमान समय में आप देखें तो गर्मी बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है. जहां गर्मी नहीं थी, बैंगलोर में किसी जमाने में जब मैं था तो वहां पंखे नहीं थे, दार्जिलिंग में मैं था पंखे नहीं थे, आजकल वहां एसी चलाना पड़ रहा है.
ठीक है, तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव इन चीजों का पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने अब यहाँ डिफॉरेस्टेशन हम थोड़ा सा ले आएंगे, अब हम यहाँ यह वाक्य जोड़ेंगे। कर लीजिए बात, मम्मी का फोन है, नहीं है मम्मी का, देखिए मम्मी पापा का फोन आए, बात कर लिया करिएगा, चाहे कोई भी व्यवधान हो, क्या पता किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम वहां फिर वापस अफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे और हम बताएंगे डिफॉरेस्टेशन थोड़ा सा ले आएंगे कि बदलते समय ड्यू टू चेंजिंग क्या समय क्या लिखेंगे, बदलते समय ड्यू टू चेंजिंग टाइम या ड्यू टू चेंजिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड एंड क्या जनसंख्या विस्फोट। पहले हम लोग घरों में देखिएगा, एक घर में 8 बच्चे होते थे, बड़े हुए तो बड़ी जमीन है तो 8 टुकड़े हो गए, अब वो बढ़ता जाएगा ना, सबके दो दो तब भी तो बढ़ेगा, तो उसमें फिर हम जनसंख्या विस्फोट भी डालेंगे, ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विस्फोट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इंक्रीजिंग बट ड्वेलिंग यूनिट्स रहने का घर इज स्लोली डिक्रीजिंग टू एकोमोडेट एक्स्ट्रा मैन या फिर टू एकोमोडेट एवरीबडी विथ ए ड्वेलिंग यूनिट पीपुल हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स जंगल्स एंड पहाड़, पहाड़ को क्या बोलेंगे माउंटेन्स, फिर जंगल की कटाई होने लगी एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज मेकिंग ड्वेलिंग यूनिट्स, ड्वेलिंग यूनिट की जगह हाउस आप लिख सकते हैं, मेकिंग ड्वेलिंग यूनिट्स विच अल्टीमेटली हैज रिजल्टेड इन इम्बैलेंस ऑफ एटमोस्फियर, ठीक है, या इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर या इन्वायरमेंटल साइकिल। यहां तक आपने लगभग 250 शब्द लिख लिया अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो। अब इसमें एक चीज और है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो दो चीज हमारी बड़ी अच्छी आदतें हैं, हम जैसे लोग थोड़ा शायराना अंदाज के जो लोग होते हैं वो लोग कोटेशन लिखने में बड़ा विश्वास रखते हैं, लिखते हैं ना आप लोग, जो शायरा अंदाज के नहीं है वो क्या चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी ने महात्मा गांधी का लिखा, महात्मा गांधी और लिखने के बाद ये क्यों लिखा समझ नहीं आ रहा है, आप जब भी कोई कोटेशन लिखेंगे उसको जस्टिफाई करेंगे अपने सेंटेंस के साथ, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि लोग आजकल जंगल काट रहे हैं, फिर आप लिखेंगे कि महात्मा गांधी का यह कथन यहाँ सत्य होता है कि लोग जंगल काट रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को मोबाइल उस पर दिया था ना, मोबाइल एक व्यसन, और मैंने आप लोगों को बाद में एक उदाहरण बताया था कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है, वहां हमने जस्टिफाई किया कि धतूरे से ज्यादा नशीला क्या है सोना है, क्योंकि सोना पा जाए तो आदमी बौरा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो भी आप इसमें कोटेशन लिखेंगे उसको जस्टिफाई करेंगे, नहीं कर पाते हैं आपके वाक्य में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते तो मत लिखिएगा, अपनी शायरी घर में आके फिर खुद से ही सुना लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, कुछ आप में से चित्रकार मन होता है, हर व्यक्ति चित्र बनाता है, मैं भी बनाता हूँ, वो अलग बात है, मैं बनाऊं तो हाथ से चित्र होता है और आप बनाए तो अच्छा चित्र होता है। तो अब ये जो एफॉरेस्टेशन प्रक्रिया है इसमें हम एक साइकिल बना देंगे। ठीक है, मैं यहाँ जंगल बना दूंगा, मान लीजिए जैसे आपको बनाने की इच्छा हो, पेड़ मैं यहां से एक तालाब बना देता हूं, मान लीजिए यहां से हवा ऐसे ऐसे चल रही है, पेड़ से टकरा रही और ऐसे ऐसे फिर बारिश बंद करके आ रही है, फिर दूसरा मैं यहां से एक तालाब बना दूंगा, यहां से एक ऐसे बारिश का पानी नालियों में गया, यहां आकर के लहलहाते खेत मैंने बना दिया। ठीक है, खेत बना दिया और उसके बाद मैंने यहाँ कुआं बना दिया, ये पानी कुआं ऐसे बनता है कुछ, ये पानी कुएं में गया। ठीक है, कुआं से फिर मैं हैंडपंप बना देता हूँ, यहाँ हैंडपंप ऐसे करके लगा देते हैं, अब मुझे चित्र बनाना नहीं आता है, तो यहाँ मैंने हैंडपंप बना दिया और यहाँ एक आध गाय गोरू भी लगा दिया, ये गाय बैल लगा दिया। ठीक है, तो जो भी बन जाए। ठीक है, जिनको चित्र बनाने का शौक है इस तरह का चित्र बना दें, जस्टिफाई करना है कि दादा हम चित्र बनाए तो उसका लाभ है। अब किसी ने एक पेड़ बना दिया और भी खजूर का, ठीक है, मेरे समझ नहीं आया कि खजूर का पेड़ क्यों रखा है यहाँ, बोलते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे थी दूर। चलिए, मैंने यह जो चित्र बनाया टूटा फूटा, तो आपने दिखाया कि पानी से हवा जल ठंडा होकर के जाता है ऊपर, फिर पेड़ से टकरा के वहीं गिर जाता है,
गिरने के बाद यह जो पानी आता है वह तालाब में आया, तालाब में मछली वगैरह है, या फिर आगे यहाँ खेतों में उसी पानी का प्रयोग होता है, और उसके बाद मैंने नलकूप बना दिया, कुआं बना दिया, उस पानी का प्रयोग हम पीने के लिए करते हैं। ठीक है, एक चित्र मैंने ये बनाया, और दूसरा चित्र मैं उसके नीचे ये बना दूंगा कि इसमें से पेड़ माइनस कर देता हूं। पेड़ माइनस करने के बाद मतलब ये तालाब से हवाएं उठेगी तो टकराएगी कहां, तो ये सीधा सीधा चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, और कहां जाएंगी भगवान जाने। यहां फिर मैं सूखे, सब सूखे सूखे इस तरह का बना दूंगा, यदि मुझे चित्र बनाने आता है तो। ये दो चित्र आपकी पूरी कहानी कह देंगे और 50 में से 10 नंबर दिला देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए तो, नहीं तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा इसने क्या बनाया है, रथ बना रहा था या क्या बना रहा था। सर चित्र बिगड़ गया तब क्या होगा, क्या कह रहे हैं, चित्र अगर बिगड़ गया कॉपी में तब क्या होगा। हाँ तो मत बनाइए, मैंने आपको क्या कहा, अति जोशी जो होते हैं, अति अतिवादी, जैसे शायराना अंदाज, बाद बाद में मैं भी कुछ एक बोल देता हूँ, 24 पे चलाओ, कम करें, ठंडक बढ़ा दें, 24 है मैडम, 24 से ऊपर नहीं जाएगा, 28 नहीं जाता है, लीजिए कर दीजिए, 28 कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जरूर बना सकते हैं, बट दैट शुड जस्टिफाई योर टॉपिक, प्रासंगिक होना चाहिए। अब मैंने ये बना दिया, ये मैंने बना दिया यहाँ एफॉरेस्टेशन, हाँ लिख दिया इफेक्ट्स ऑफ एफॉरेस्टेशन, यहाँ लिख दिया इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये सिर्फ दो बात नहीं, इधर बात, ये दो चित्र आपकी पूरी कहानी कह देंगे, शब्द कम रहे तो चल जाएगा, लेकिन किसी ने खजूर बना दिया, किसी ने आम बना दिया, भगवान जाने क्यों बनाया है। अब जैसे मोबाइल नशा के ऊपर मैंने आप लोगों को दिया था, एक सज्जन ने क्या किया, ऐसे मोबाइल का फोटो बना दिया कॉर्नर में, मैं पूरी कहानी पढ़ गया, समझ नहीं आया ये क्यों बनाया है। इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो है उसका तो दिमाग खराब होगा ही बेचारा, अब दिमाग खराब होगा तो आपको 100 नंबर देगा। ये कहानी अगर इस तरह का चित्र बना देंगे तो आपको संभव है 10 नंबर ज्यादा दे। आप देखिएगा आईएएस की परीक्षा जो लोग देते हैं उसकी तैयारी करते हैं, तो कई लोगों का मैंने कॉपी देखा, बात नहीं, कई लोगों की मैंने कॉपी देखने के बाद यह निर्णय लिया कि जो आप चित्र बनाएंगे वो जस्टिफाई करे आपकी कहानी को। ठीक है, अब यहाँ तक मैं 300 शब्द बता गया। हाँ बोलिए सर, पहले टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद नीचे उस चित्र को बनाएंगे, उससे जो रिलेटेड होगा। हाँ बाबा, अभी तक मैं क्या बोल रहा था, पूरी कहानी हो गई सीता किसका बात, अभी तक मैं आपको बकर बकर जो बतिया रहा था वह सब इसमें लिखना है कि पेड़ होंगे तो ये होगा वो होगा, और बाद में चित्र बनाना है या फिर बाद में शायरी लिखनी है। मैंने कल आप लोगों को कल या परसों दिया था इफेक्ट ऑफ, ये नहीं क्या बताया था, मोबाइल एक व्यसन है, तो जिन लोगों ने पहले ही कोटेशन लिख दिया तो बेचारे आधे कोटे पे चले गए, राशन का कोटा होता है ना आजकल फ्री मिल रहा है, वैसे हो गए। ठीक है, आप जस्टिफाई कर, जैसे मैंने लिखा कि मोबाइल आया तो आदत पड़ गई, पबजी खेलने लगे, ये वो दादाजी, और उसके बाद मैंने लिखा कनक कनक पे सौगुनी मादक तारिका, तो मैं दोनों पैराग्राफ को जस्टिफाई कर रहा हूं, आपका इस तरह से जाना चाहिए। अब यहां तक मैंने लिख दिया, अब कभी आप लोगों ने एफॉरेस्टेशन पढ़ा ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो उसके बाद सरकारी योजनाओं के बारे में हमें पता नहीं है। पता है किसी को कि भारत सरकार ने एक समय बहुत सारा पेड़ लगाने के लिए एनजीओ हायर किया था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पेड़ बंटवाया था, याद है किसी को, नहीं याद है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, याद है तो लिखना है कि कटते जंगल को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई, हिंदी में बोल देता हूँ अंग्रेजी कर लीजिएगा, जिसमें भारत सरकार ने जगह जगह एनजीओ हायर किया, एनजीओ को न्योता दिया कि आइए हमारा सहयोग करिए, और गली गली में पौधे बंटवाए गए। हालांकि जो लोग पौधा लेके गए उसकी चटनी बना के खा गए ज्यादातर लोग, इसलिए जंगल सफल नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ऐसे लोग, आप लोगों ने सुना है कि एक आदमी ने अकेले छत्तीसगढ़ या कहाँ की कहानी है, क्या है उसका कहानी, हाँ कई कहानियां हैं इस तरह से, जैसे एक लेडी है वो समुद्र तट पे पेड़ लगाती हैं, ठीक है, साउथ की कोई लेडी है, फिर एक व्यक्ति है जिन्होंने अकेले दम पे पता नहीं कितने एकड़ में जंगल ही रोप दिया, राजस्थान में उन्होंने
उनका जो बनाया हुआ जंगल है उसमें झरना वरना सब डाला है। ये लोग पर्यावरण को मदद कर रहे हैं। अब चूंकि हमें समापन की ओर बढ़ना है, तो फिर आप अगर सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं तो लिखिए, नहीं जानते हैं तो आप चूंकि पर्यावरण से चिंतित है, पर्यावरण के खतरे से, तो आप उसमें लिखेंगे कि टुडे इट इज द डे व्हेन वी हैव टू डिसाइड वेदर वी वांट टू लीव ऑन दिस अर्थ डिजीज फ्री एंड पीसफुली और वी वांट टू कंटिन्यू विद दिस डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। इफ वी वांट टू चेंज द डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन वी नीड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड वी शुड नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एन इनिशिएटिव। वी एज अ सिटीजन ऑफ दिस अर्थ शुड स्टार्ट एन इनिशिएटिव टू क्या टू टू के बाद टू इंक्रीज या टू टेक सम एक्टिविटीज विच कुड एड टू अफॉरेस्टेशन and for this lots of people, lots of NGOs and lots of institutions have started giving tree in gift or in return gift. They are giving saplings and trees to a person approaching, they are coming to their office so that this tree, yeah, this tree could be planted at a safer place and in a long run it will add to our environment. It will add to the greeneries, and once greeneries increase, everything which we are facing like drought, baadh, sukha, kya hota hai? Baadh hai drought? Drought matlab sukha. Drought, floods aur natural calamities kya hai? Wo kabhi Joshi Mandal phat gaya, kabhi kahan phat gaya? Un sare shabdon ko landslide mein roka ja sakta hai. Erosion of ponds, erosion of रिवर बेड, इरोजन ऑफ समुद्री बेड, क्या कहते हैं उसको, समुद्र तट को क्या कहते हैं, बीच, ठीक है, कोस्टल कोस्टल लाइन बोलते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं। इट विल अवॉइड इरोजन ऑफ कोस्टल लाइन एंड विद दिस वी एज अ सिटीजन ऑफ दिस यूनिवर्स वी कुड सर्व आवर यूनिवर्स इन ए पॉजिटिव वे एंड and afforestation is the only way through which we can save our Mother Earth and also to mankind, a living being. ये लिख करके समाप्त। जय हिंद, नमस्ते। ठीक है, हाँ लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर आपने इतना लिख दिया तो आप समझ लीजिए कि आप यज्ञ जीत गए, और मैं गारंटी देता हूं कि आप इतना लिखते हैं अगर तो 35 नंबर से एक पैसा कम नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने सारा पिक्चर बता दिया, एफॉरेस्टेशन क्या है वह बता दिया, एफॉरेस्टेशन से लाभ क्या है, क्यों चाहिए वह सब। तो अब यहां मैं एक की पॉइंट्स लिखता हूं, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। नाहिदा जी कहां ध्यान है, दीदी इस बात में बताइएगा। परिभाषा पहले लिखेंगे, परिभाषा फिर आप लिखेंगे क्या है। परिभाषा में तो एक लाइन, फिर क्या है, फिर क्यों है, क्या क्यों और कैसे। कोई भी टॉपिक आप लिखते हैं तो जो शब्द होता है उसको तोड़ेंगे और क्या क्यों और कैसे। अगर आप 15-15 लाइन लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 15, 6, 60 लाइन, लगभग 150 शब्द हो जाएगा। फिर आप यहां कोटेशन दीजिए, कोई बात नहीं, शुरुआत में कोटेशन देके ना करें। मतलब मुझे एज ए पर्सन नहीं अच्छा लगता है, मैंने जिसका भी पढ़ा है, ठीक है, 90% लोगों ने हालांकि शुरुआत में लिखा है, जस्टिफाई नहीं किया तो खत्म हो गई बात। ठीक है, लिख लेंगे अफॉरेस्टेशन पर आप लोग, अगली चर्चा में आप लेके आएंगे। ऑनलाइन जो लोग हैं अब प्रयास करेंगे इसको, देखिए अब से हेंसफोर्थ जो भी आप ऐसे लिखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखने का प्रयास करेंगे। आप पहले सोचिए हिंदी में, या आपकी मातृभाषा यदि बांग्ला, उड़िया या मलयालम है तो आप लोग पहले अपनी मातृभाषा में उसको सोचिए, और मातृभाषा में सोचने के बाद
सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखिए, उसी का अनुवाद कर लीजिए, हो जाएगा। अब बार्क फ्रॉम होम भी कर ले हम लोग थोड़ा सा। वर्क फ्रॉम होम को मैं बार्क फ्रॉम होम क्यों कहता हूँ, एक तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ का उच्चारण ही ऐसा होता है, वो को वो बोलते हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का दूसरा कारण है कि आपका बॉस भी अपने होम से काम करेगा, और आईटी इंडस्ट्री में वो होम से बार्क करता है खाली, ठीक है। तो आप देखिएगा आईटी इंडस्ट्री वाले कोई हो तो उनसे आप बात करिएगा कि बॉस बोलता है भाई मीटिंग करो आ जाओ, और फिर वो ब्ला 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 बोलेगा, वही बार्किंग हो जाती है, बिना मतलब का काम करेगा आधा घंटा। थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम पर ले लें, जस्ट 5 मिनट। कितना बजा? ग्यारह 10, 15 मिनट और बात करेंगे, ठीक है। मन की बात यही समाप्त कर देंगे फिर। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम में ज्यादातर लोगों ने फोन रख दीजिए, बाद में बात कर रहे हैं किससे, फोन रख कर लीजिए, बात कर लीजिए, क्योंकि कंसंट्रेट डाइवर्ट होगा और शायद मैं फिर दोबारा ऐसा ऐसी चर्चा ना करता हूँ। ज्यादातर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम में, आप लोगों को पता है वर्क फ्रॉम होम क्या है, घर से क्या काम, घर में झाड़ू पोछा मैं कर रहा हूँ तो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हाँ, घर से ऑफिस का क्या काम मैं करूंगा, सरकारी कार्यालय में क्या काम आप लोग करेंगे, तो महिलाएं भी घर में कर रही हैं आजकल, हम शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा, वो तो घर में दुकान खोली तो वर्क फ्रॉम हो गया। आपको सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। हम काम क्यों करते हैं, सबसे पहले आपको करना हम काम क्यों करते हैं बताइए। दो चीज होता है, एक शौक होता है और दूसरा पैसे के लिए। एक शौक होता है, शौक लिख दिया मैंने, एक शौक होता है और एक पैसा कमाने के लिए। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो ये पैसे कमाने के लिए नहीं करता, अगर मैं पूर्णतः इसी पे निर्धारित हो जाऊं तो पता चले थरिया लोटा बेचना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये शौक है मेरा, ठीक है, रास्ते में कोई मिल गया उसकी काउंसलिंग कर ली, ये शौक है। दूसरा है कमाने के लिए, जैसे आप लोग नौकरी की तलाश में है, इसका मतलब है हमारी हमारी रोजगार वाली जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। तो दो तरह से लोग कमाते हैं, अगर आप शौक के लिए कमाते हैं तो बाहर जाना है, और आप अगर रोजगार के लिए कमाते हैं तो बाहर जाना है, ठीक है। वर्क को डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम वर्क क्या है, तो आप उसमें डिफाइन करेंगे कि आदमी काम करता है, जैसे कहा गया अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मतलब अजगर एक ऐसा जानवर है जो नौकरी नहीं करता किसी की और खाता भी खूब है, लेकिन दास मलूका राम, मलूका दास मतलब सबके मालिक राम है बोलते हैं ना, सबने कहा है, साईं बाबा ने कहा है। तो इसका मतलब भगवान आपको भोजन देता है, लेकिन क्या भगवान के भरोसे बैठे रहे, नहीं बैठ सकते हम लोग, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम हिंदी में अगर कहें, ये काम नहीं लिखेंगे आप लोग, ये जो काम शब्द है थोड़ा सा दूसरे तरह का हो जाता है, ठीक है, आप कार्य लिखेंगे, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, कोई 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 ना कोई कार्य करना पड़ेगा। और कार्य में किस तरह का कार्य है, रोजगार के लिए आप जैसे शुरुआत करेंगे कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस किसी रोजगार में हम जाते हैं वह रोजगार हमारे लिए कार्य है या फिर रोजी रोटी मानी जाएगी। देखिए मैडम मेहंदी लगा रही पेन से, ठीक है, कोई मैडम है पेन से हाथ पे मेहंदी लगा रही, अरे बाद में लगा लीजिएगा, ठीक है, चलिए। तो आप का वर्क कल्चर कब से आया, लॉकडाउन से, लॉकडाउन से वर्क, उसके पहले तो कोई काम करता नहीं था, करता था। मैंने वर्क की बात करी, देखिए सबसे पहले हम एंशियंट टाइम में चलते हैं, मनुष्य की इतिहास खंगालते हैं, सबसे पहले क्या होता था, सुन लीजिए मेरी फिर आप लोगों की सुनूंगा। सबसे पहले क्या हुआ, मनुष्य जन्म लिया नंग धड़ंग प्राणी, पेड़ पौधे से जो खाया खा लिया, फिर उससे पेट नहीं भरा तो उसने जानवर मारना शुरू किया, और फिर आदमी आदमी को मार के खाने लगा, जैसे भी इस तरह की चीजें होने लगी,
उसके बाद धीरे धीरे उसके समझ में आया कि जानवर कच्चा ना खाओ भाई, भून के खा लो, ठीक है। तो उसने आग बनाया, आग बनाने के बाद फिर ये लगा कि हमारे ऊपर खतरा है, मनुष्य को लगा कि हमारी प्रजाति पर खतरा है, तो उसने अपनी रक्षा के लिए, आप जो भी जैसे मतलब बाप बेटा चार पांच जन है, तो अपनी रक्षा के लिए उसने हथियार बनाना शुरू किया। पहले पत्थर का बनाया, बाद में धीरे धीरे बनाया। उसके बाद फिर उसने सोसाइटी बनाई, पहले परिवार, तीन चार परिवार मिलके एक सोसाइटी, बात कर लीजिए, ठीक है। तो मनुष्य ने एक सोसाइटी बनाई। इसको ये जो पीरियड है, क्या पीरियड बोलते हैं इसको, पाषाण युग, स्टोन एज। स्टोन एज के बाद आया लोहा एज, लोहा एज बाद में आया, जो भी एज आया, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इस तरह से कहानी की शुरुआत हम करेंगे। आदिकाल में मनुष्य ने जब जन्म लिया, तो सबसे पहले अपने भोजन की व्यवस्था के लिए वो पेड़ पौधों पर आश्रित था या फिर जानवरों पर आश्रित हुआ। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने समाज बनाना शुरू किया। आप देखेंगे कि गारो खासी जयंती या हिल्स है, उसमें जो आदिवासी या फिर जो आदिवासी प्रदेश है, मनुष्य मूलतः पहले वैसे ही रहता था, एक कुनबे में दूसरे कुनबे झगड़ा, उस समय भी ये कल्चर नहीं था। मान लीजिए कि मुझे अगर घर बनवाना है, झोपड़ी पहले बनवाते थे, तो गांव के सारे लोग आकर के और आपकी झोपड़ी बनवा देंगे, और उसमें कहा जाता था कि किसी की झोपड़ी बनाने में मदद करो तो भगवान पुण्य देता है, ये एक भावना थी। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि इस तरह से हम अगर किसी की मदद करते हैं, तो सिर्फ मदद कर देने से तो काम नहीं चलेगा, और हर व्यक्ति के पास न उतनी जमीन है न ही रोजगार, पहले रोजगार था ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो काफी बाद में शुरू हुआ है, जमीनें लोगों के पास उतनी थी नहीं, तो बेचारा कैसे जीवन यापन करेगा। फिर धीरे धीरे रोजगार की प्रवृत्ति शुरू हुई। जैसे मान लीजिए आपके घर में खेत है, 5 बीघा खेत है, आपने धान लगवाया, तो गांव के जो बच्चे हैं जिनको जिनके पास जमीने नहीं, रोजगार नहीं, ऐसे बच्चों को आपने हायर किया और उन बच्चों से आपने काम करवाया। काम करवाया तो पहले पैसे नहीं चलते थे, जैसे गेहूं हुआ मेरे पास 50 बोरा गेहूं हुआ, 5 बच्चों से मैंने काम करवाया, तो मैं हर बच्चे को बोलूंगा बेटा 1 बोरा गेहूं तुम ले जाओ। एक तरह से साझेदारी थी, काम में साझेदारी थी, और जो भी उपज होता था वो हम लोग आपस में बांट लेते थे, रेशियो चाहे जो हो, रेशियो ही मैटर, ठीक है। इस तरह से फिर रोजगार की शुरुआत वहां से हुई, समाज सभ्य हुआ और रोजगार की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे पैसे का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे एक मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे, उन्होंने चमड़े के सिक्के चला दिए। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है, उसने चमड़े का भी सिक्का चलाया था, बाद में देखा कि लोग घर में ही सिक्का छापने लगे थे, ठीक है। फिर उसके बाद ताम्र युग आया, स्टील युग आया, फिर पैसा आ गया, फिर वह जो मेथड था बार्टर मेथड, विनिमय। जैसे मान लीजिए हम, मैं बहुत छोटा था तो गांव गया था, तो आइसक्रीम बेचने आया था, तो लोग घर से गेहूं ले गए, इतना एक डब्बा गेहूं ले गए और एक आइसक्रीम खरीद के ले गए, मतलब सामान के बदले सामान दे करके लिया जाता था, यह भी पूर्ण रोजगार नहीं है। जैसे आपके यहाँ पंडित जी आए कथा कराने, तो पंडित जी चलने लगे, तो आपने उनको, आपके घर में अनाज है तो आपने पंडित जी घर अनाज भिजवा दिया, या आपके यहाँ कोई मजदूर आया तो काम किया, साफ सफाई किया, फिर आपने अनाज उसको दे दिया, ले जाए भाई, ये बार्टर सिस्टम इसको बोलते थे। बार्टर सिस्टम तक पूर्ण रूप से ये वर्क कल्चर डेवलप नहीं हुआ था। बाद में फिर जब पैसे का प्रचलन चला, राजाओं के सिक्के आप देखे होंगे, पुराना इतिहास पढ़िए, हर चीज में मिल जाएगा, तो हर राजा ने अपने नाम का मुहर बना के सिक्का बनाया, और वहां से वर्क कल्चर डेवलप हुआ। आपको इतना डिफाइन कर देना है, मैं इतना बड़ा बनाया, 2 लाइन में आप डिफाइन कर दीजिए। हाँ, एंशियंट पुरुष जब आया तो ऐसे ही मारपीट के खाता था, उसके बाद धीरे धीरे युग बदला, लोहा तांबा तक आया, और लोहा तांबा तक आया, वहां तक वर्क कल्चर ये था कि आप काम करो बदले में सामान ले जाओ। फिर बाद में धीरे धीरे आधुनिक युग आना शुरू हुआ, और काम के बदले पैसा मिलने लगा, ठीक है, काम के बदले पैसा मिलने लगा, लेकिन काम की सीमा नहीं थी, दिन भर आप काम किए जा रहे हैं गधे जैसे। फिर बाद में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया, उसने कई नियम कानून बनाए, इस नियम के कानून के अंतर्गत 8 घंटा ही काम करा सकते हैं, संडे छुट्टी देना है, ये तमाम चीजें निर्धारित हुई। ये इंटरनेशनल लेबर और लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आया भारत में, ये सब चीजें बाद में आई। अभी भी भारत में लोग 14 घंटा काम करते हैं ऑफिस, बैंक वाले देख लीजिए, ठीक है।
तो कुछ लोग स्वेच्छा से करते हैं, क्योंकि घर वाली से पटता नहीं है, तो जितनी देर बैंक में रह लें। चलिए बात की बात है। तो फिर अब सिस्टम शुरू हुआ, कोविड को अभी तक हमको बीच में नहीं लाना है। कोविड एक सिंगल कॉज नहीं है। फिर दो तरह का काम शुरू हुआ, जैसे जैसे आईटी का वो हुआ, एक आईटी का हुआ, उसके पहले आईटी नहीं था, तभी तो काम होता था। जैसे मान लीजिए साड़ियां बनती है, पश्मीना सिल्क कश्मीर में होता है, उसकी डिजाइनिंग कलकत्ता में होती है। सूरत में सिल्क इंडस्ट्री है, वहां साड़ियां रॉ बनती है, साड़ियों में कढ़ाई करने के लिए कलकत्ता आता है। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि पूरे भारत में कलकत्ता और वाराणसी एक ऐसे शहरों में गिना जाता है जहां कारीगरी, हाथों की कारीगरी बहुत बढ़िया होती है, और आज भी लोग घरों में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा और आगे मैं विस्तार देता हूँ, यह चीज हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझ के अंग्रेजी में लिख पाएंगे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए साड़ी, ये पेटीकोट या बच्चों के ड्रेस बनते हैं, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद मजदूर जाते हैं वहां से, 10 का बंडल लेके आएंगे, घर ले आएंगे, घर ले आके सिल करके उसको देंगे, प्रति कपड़ा उनको 10 रुपया मिल जाता है। ये शॉर्ट कटिंग फटिंग मशीन से किया मिल जाएगा, आप दुकान को लौटा दीजिए, 10 रुपया आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम। लोगों को फैक्ट्री ना जा करके, फैक्ट्री में जो काम होता है उस काम को घर में बैठ के करें, और करने के बाद वापस अपना माल बाजार में जाते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम। सबने डरा दन लिख दिया, कोविड 19, कोविड 19। जब कंप्यूटर नहीं था तब भी यह प्रणाली थी। मैं छोटे स्तर की अगर बात करूं तो कढ़ाई का काम मैंने बता दिया। कढ़ाई का काम विदेशों से भी आता है, और अपने देश से तो आता ही है, कलकत्ता या वाराणसी में जाता है। रंगरेज का काम है, आप लोगों ने बंधानी कपड़ा पहना होगा ना, वो छीटे वाले रंग, हाँ, बंधेज का जो काम होता है वो लोग घरों में करते हैं। फैक्ट्री में कपड़े बन गए, कपड़े बनने के बाद लोगों के घरों में भेज दिया गया। मान लीजिए राम भरोसे हैं, उनके यहाँ छपाई होती है, वो रंगते हैं, उनके घर में भेज दिया गया। राम भरोसे जी ने अपने घर में उसको किया। किसी ने भी बताया टेलरिंग का काम, मैंने उस समय चुप करा दिया था कि फट से टेलरिंग पर मत आ जाइए। ठीक है, मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो टेलरिंग का काम, आप लेके आते हैं सामान घर से, सिल के दुकान में वापस ले आते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम। आप काम के, आप घर में से बैठे आप रोजगार कर रहे हैं। यहां तक आपको डिफाइन करने में दिक्कत है कोई? वर्क फ्रॉम होम समझ में आ गया? अब इसके बाद धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्री का विस्तार हुआ। बात नहीं तो मिस करेंगे, फिर हम दोबारा नहीं बताएंगे। आईटी इंडस्ट्री का विस्तार हुआ। आईटी इंडस्ट्री, अब थोड़ा सा हम फ्लो में आ जाएंगे। आईटी इंडस्ट्री का विस्तार हुआ। आईटी इंडस्ट्री का मतलब होता है, पहले तार से कनेक्टेड था, अब विदाउट तार हो गया। इसमें भी कई सारे काम ऐसे हैं जो आप घर बैठ करके करते हैं। जैसे अनुवाद का काम आता था पहले, लेना ही, जिस फील्ड में देना ही है। जैसे आप घर में बैठे हैं, किसी को अपनी किताब अनुवाद करानी हो, मुझे भेज दिया, भैया मेरी किताब अनुवाद कर दो। मैंने यहाँ घर में बैठ के टट 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 किया और भेज दिया, पैसा मेरे खाते में आ गया। तो पहले ड्राफ्ट किया, चेक आता था, तो वो वर्क फ्रॉम हो गया। यहां तक जब आप डिफाइन कर लेंगे 100 150 सब, फिर कोरोना माता को कहाँ छोड़ेंगे? ठीक है, कोरोना माता ने बहुत उपकार किया है इंडस्ट्री पर। फिर आप ले आएंगे कि कोविड-19 के प्रसार ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर, या वर्क फ्रॉम होम का की जो प्रणाली थी, द सिस्टम ऑफ वर्क फ्रॉम होम हैज बीन एक्सप्लोर्ड मच, एंड अपार्ट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, ये वो जो भी आपने ब्ला ब्ला किया है, आईटी इंडस्ट्री ऑल्सो हैज स्टार्टेड हेल्पिंग इन वर्क फ्रॉम होम कल्चर, एंड विद द हेल्प ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज एजुकेशन इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड दे कन्वर्टेड इट इंटू इडुटेक। ईडी टेक बोलते हैं उसको, ई डी या एडुटेक, कुछ नहीं है, एडुटेक। एडु मतलब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के सहारे। इसमें आप जोड़ सकते हैं कैसे कैसे, ऑनलाइन पढ़ाई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, एज टीचर इज वर्किंग फ्रॉम होम एंड ही इज जनरेटिंग रेवेन्यू वॉट एवर ही कैन। दूसरा, अमेरिका में बैठे हुए आदमी को कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, वह आपसे भारत में बैठ के करा ले रहा है।
ये फिर जोड़ेंगे कोविड माता की जय हो करके, ठीक है। इतना करने के बाद ये आप अच्छाइयां बयान कर गई, पेन मत खाइए, ठीक है। अच्छाइयां अगर हैं तो बुराइयां हैं, आपको बुराइयों का भी बयान करना है। क्या है वर्क फ्रॉम होम कल्चर का बुराई, सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाद में जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम कल्चर से सबसे बड़ा जो नुकसान है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप खाना खाने बैठे हैं तब भी काम किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति अगर घर में बैठ के काम कर रहा है तो उसके पास समय नहीं है, वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटा काम कर रहा है। अगर फैक्ट्री जाता है तो आने जाने में हलो मोटो मेरा ही बज रहा है, तो व्यक्ति अगर फैक्ट्री जाता है तो आने जाने में समय लगता है 4 घंटा, और 7 घंटा काम करेगा 11 घंटा। अभी वो पूरा का पूरा 11 घंटा वो घर में बैठ के दे रहा है। एक मिनट होल्ड करिएगा, हेलो, हाँ गोल लगा दें, थोड़ी देर बाद फोन कर देंगे, क्लास बनी, ठीक है। तो अब नुकसान क्या हुआ, कंपनियां इंप्लॉइज से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने लगी। अभी क्या होता है, मैं बैठ के बच्चों के साथ खाना खा रहा हूं तभी बॉस का फोन आ गया, भाई इसको जरा कर देना। और इससे सबसे ज्यादा जो समस्या हुई वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। उसमें जो दिक्कत आई है वह क्या है कि फैमिली एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होने लगा है। आप सिनेमा देखने का प्रोग्राम है आज हमारा, बॉस ने दिया, बोला भाई आज कर देना, घर में हुआ छुट्टी है कर देना, टिकट कटाया हुआ, 1 बजे शो है, यहाँ 3 बजे मैं लगा हुआ हूँ, और फिर क्या होगा उसके बाद मैटर झगड़ा लत्तम जुत्तम, और फिर काले कोट वाले उसका लाभ लेंगे, ठीक है। मामला तलाक पर, बहुत घरों में ऐसा हुआ है, ठीक है। वाइस वर्सा, लेडी हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता सबका। तो आपकी लाइफ जो है पर्सनल लाइफ इससे हैम्पर हुई है। मान लीजिए मेरे पास एक ही कमरा है, उसी में खाना पीना सब कर रहे हैं, अब मुझे अगर काम करना है तो मुझे अलग से टेबल लेना पड़ेगा, हो सकता है मेरी औकात ना हो उतनी। हर व्यक्ति तो ऐसा है नहीं ना कि काम करने के लिए अलग, तो आप उसको इंक्लूड करेंगे कि उससे आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। वर्क फ्रॉम होम से जॉब कट हुए हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक कंपनी है, कंपनी ने ऑफिस ले रखा है तो उसमें अकाउंटेंट होगा, साफ सफाई वाला एक आदमी रहेगा, एक आदमी सिक्योरिटी वाला होगा, सिक्योरिटी और साफ सफाई जीरो, उसने अकाउंटेंट को भी निकाल दिया, जा भाई मैं ही कर लिया करूंगा, छोटी मोटी कंपनी है, तो उससे जॉब लॉस भी हुआ है। और इसका प्रभाव अब देखने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब छटनी में लगी हुई हैं। आप देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल सभी छांट रही इंप्लॉइज, क्यों, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर से उनको यह पता लगा कि हमें ऑफिस रखने की जरूरत नहीं है, इंप्लॉई को घर छोड़ दो, जा बेटा घर से काम कर, किराया तो मैं वहां नहीं दे रहा हूं, अब किराया नहीं दे रहा हूं तो वहां जो मेंटेनेंस के लिए मेरे पास आदमी है, बिजली खराब होगी एक मेंटेनेंस का आदमी रखना पड़ता है, एक प्लम्बर रखना पड़ता है, उन सबको हमें रखने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली इट इज लीडिंग टू ए जॉब कट, और उसको फिर रेसेशन एक शब्द दिया गया, लिख लीजिएगा, एंड रेसेशन मतलब महंगाई, रेसेशन एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि कमी हो गई है, भाई हम कमा नहीं पा रहे हैं, हम छटनी कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, रिसेशन की हिंदी आप लोग, डिमांड खूब है लेकिन अब हमें जरूरत नहीं है ना, मंदी, यस मंदी का दौर चल रहा है, तो मंदी का दौर इट इज द मेन कॉज ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर विच वॉज इन्वेंटेड बाय द आईटी इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड ड्यू टू COVID-19। बट अगेन वी एज अ यूथ will have to search for a better source which could generate more revenue while working from the home। ये लिखकर के समापन करिए, लगभग 600 शब्द हो जाएगा। जितनी कहानी मैंने बताई याद रहेगी, नहीं याद रहे तो YouTube में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा, बाकी जो आम दर्शक है उनके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। यहां तक आप लिख लेंगे हाँ या ना, अगली बार शनिवार को जब हम मिले तो आशा है आप लोग लिख के लाएंगे दोनों भाषाओं में। मैं प्रयास करूंगा कि SSC में जितने भी, आप मोबाइल मत खो जाइए, SSC में जितने भी ऐसे आए थे उस पर मैं ऐसे ही एक एक दिन चर्चा ले लूंगा आपकी,
और चर्चा के बाद मैं चाहूंगा आउटपुट मिलना चाहिए, नहीं तो मैं वर्क फ्रॉम होम करता रहूं और आप लोग भी फोन पे जो लोग हैं। तो अभी हमने शेड्यूल बदल दिया है, सैटरडे फुल अनुवाद पे रहेगा, फुल सेशन फुल हाउस। मैं आपको टेक्स्ट भेज दिया करूंगा पहले से, इस बार देर हो गई थी, अगली बार मैं प्रयास करूंगा फ्राइडे आपको टेक्स्ट भेज दूं ताकि आप लोग करके लाएं तो समय कम लगेगा। दूसरी बात, बीच में फिर व्याकरण मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, ठीक है, क्योंकि व्याकरण इसलिए स्लो चलूंगा, इंग्लिश वाला पार्ट पूरा दीपक सर कवर कर रहे हैं, हम लोग व्याकरण के आधे में आ गए हैं। संज्ञा पढ़ ली है, सर्वनाम पढ़ ली है, विशेषण पढ़ लिए हैं, क्रिया पढ़ लिए हैं, और हम लोग वाच्य पर थे छठे पर, पार्ट ऑफ स्पीच आठ होता है, इसी तरह हिंदी में शब्द कहे जाते हैं ये आठ होते हैं, तो आठ में से लगभग पांच लोग मुख्य मुख पर आ गए हैं, और बाकी संधि समास वगैरह चीजों पे फिर हम मंथन करेंगे धीरे धीरे। ये पेपर टू का पार्ट हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो है 50% उसमें मजबूती ला दूं, फिर व्याकरण की ओर दोबारा बढ़ूंगा, ठीक है। ऑनलाइन जो लोग हैं उनका कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो ऑनलाइन सेशन में खत्म कर रहा हूं। फिर बच्चे आज होली मनाएंगे, बच्चे होली मना करके, दीपक सर आज नहीं है, ठीक है, तो आज की चर्चा यही रहेगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा हम सेशन ऑफ करें। बात ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है, फिर हम सत्र यहाँ समाप्त करते हैं, अगली चर्चा फिर शनिवार को जुड़ेंगे। आप लोग क्लास छोड़ दीजिए। हाँ सर। अरे यार।